हेलो एवरीवन, दिस इज नैन्सी नूतन। वेलकम टू माय चैनल निवी। दोस्तों, चाहे ये आज का कोरोना काल हो या पहले की हमारी भागदौड़ वाली जिंदगी, हम सभी अपनी डाइट में कोई ना कोई फूड सप्लीमेंट या हेल्थ सप्लीमेंट, एनर्जी ड्रिंक्स शामिल करते ही हैं। अगर आज की बात की जाए तो अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए हम ना सिर्फ विटामिन सी के सोर्सेस ले रहे हैं, बल्कि विटामिन सी की टैबलेट्स, विटामिन ए, विटामिन बी, फॉलिक एसिड, कैल्शियम, आयरन जैसे फूड सप्लीमेंट, हेल्थ सप्लीमेंट भी ले रहे हैं। इसके अलावा अश्वगंधा, मूसली, तुलसी एक्सट्रैक्ट जैसे नेचुरल हर्बल प्रोडक्ट भी यूज कर रहे हैं। पर क्या ये सारे फूड सप्लीमेंट्स सभी के लिए इक्वली बेनिफिशियल होते हैं? क्योंकि हम ज़्यादातर फूड सप्लीमेंट या हेल्थ सप्लीमेंट एक दूसरे की देखा देखी लेते हैं, बिना ये सोचे कि क्या ये हमारे लिए भी उतना ही बेनिफिशियल है या नहीं। दोस्तों, हर किसी व्यक्ति की, हर इंसान की जो एज, बॉडी स्ट्रक्चर, उसका लिविंग स्टैंडर्ड, उसका वर्क प्लेस, प्रीवियस हिस्ट्री, उसकी कोई क्रॉनिक डिजीज है या नहीं, उसकी कोई मेडिसिन चल रही है या नहीं, वो सारी डिफरेंट होती हैं। तो कहीं ऐसा ना हो ये फूड सप्लीमेंट, जो हेल्थ सप्लीमेंट हम ले रहे हैं, वो हमारे फूड के साथ या दूसरी जो ड्रग चल रही है उसके साथ इंटरेक्ट ना कर जाए और इंटरेक्ट करके टॉक्सिक इफेक्ट ना प्रोड्यूस करें। ये ड्रग इंट्रैक्शन या ड्रग फूड इंट्रैक्शन क्या होता है, ये आप मेरे ड्रग इंट्रैक्शन वाली वीडियो में देख सकते हैं। इसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में शेयर किया है। तो दोस्तों, इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो आज हम टॉपिक लेकर आए हैं, उसका नाम है स्पायरुलिना, जो अपने आप में कंट्रोवर्शियल है। कंट्रोवर्शियल मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कुछ लोग इसके चमत्कारी गुण के बारे में बताते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसको ना लेने की सलाह देते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक चीज जो सबके लिए या बहुतों के लिए वरदान है, अमृत जैसी है, पर कुछ लोगों के लिए जहर भी है? तो इसके पीछे सच क्या है? क्या सच में स्पायरुलिना के पीछे इतने सारे चमत्कारिक गुण होते हैं? और अगर ये सच है तो किन लोगों को इसको नहीं लेना चाहिए? स्पायरुलिना का सच क्या है, ये जानने के लिए आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। मेडिसिनल ट्रीटमेंट में कॉमनली ऐसा ऑब्जर्व होता है कि एंटीबायोटिक्स, हार्मोन्स और कुछ अन्य ड्रग्स का रेगुलर यूज बॉडी में रेजिस्टेंस डेवलप कर देता है, जैसे कि हम सभी थर्ड जनरेशन एंटीबायोटिक का भी यूज करने लगे हैं। इस ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए ऑल्टरनेटिव फूड और ऑल्टरनेटिव मेडिसिन पर कंटिन्यूसली रिसर्च चल रही है। इन ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के बहुत सारे थेरेपेटिक बेनिफिट्स होते हैं और इन्हें डिजीज के प्रिवेंशन एंड क्योर में यूज किया जा सकता है। स्पायरुलिना भी इसी सीरीज का एक पार्ट है जिस पर बहुत सारी स्टडीज हुई हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पायरुलिना है क्या। स्पायरुलिना प्लेटेंसिस एक मल्टी सेलुलर ब्लू ग्रीन एल्गी है जिसमें हाई अमाउंट में अप्रोक्सीमेटली 60-70% प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन, इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। स्पायरुलिना कोई ट्रेडिशनल मेडिसिन नहीं है, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड सोर्स है बिकॉज ऑफ इट्स न्यूट्रिशनल वैल्यू। एंशियंट एस्टेक एंड अफ्रीकन सिविलाइजेशन के लोगों ने स्पायरुलिना के हेल्थ बेनिफिट्स को सबसे पहले समझा था। 16 सेंचुरी तक हर्नन कोर्ट्स के सोल्जर्स इस एल्गी को टेक्सकोको लेक से निकालकर इसको केक के रूप में बेचते थे, जिसको ये टिकटलेट कहते थे। इसी प्रकार लेक चैट के एरिया में एथनिक ग्रुप के लोग इसे ड्राइड ब्रेड के रूप में इसे बेचते थे, जिसे ये डीहे कहते थे। ये ट्रेडिशनल फूड अब ह्यूमन फूड इंडस्ट्री में अपनी हेल्थ बेनिफिट्स के कारण रिसर्च का पार्ट बन गया है। स्पायरुलिना को फ्यूचर फूड के रूप में भी देख सकते हैं। इट मींस अगर ऐसी कंडीशन आती है कि अनाज या हमारा भोजन खत्म हो जाए या कम हो जाए, तो स्पायरुलिना एक विकल्प है, ऑल्टरनेटिव फूड है, क्योंकि ये बॉडी की सभी रिक्वायरमेंट्स की को पूरी करने की क्षमता रखता है। इसके कुछ एविडेंस इस प्रकार है। नासा ने स्पायरुलिना पर एक स्टडी कंडक्ट करवाई थी जिसका उद्देश्य था कि एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में ऐसा फूड प्रोवाइड किया जाए जिसमें सभी जरूरी न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स प्रेजेंट हों। 1970 के दशक में नासा ने स्पायरुलिना को सेफ बताया और उसको स्पेस फूड के रूप में अप्रूव्ड किया। स्पेस ट्रेवलर्स किसी भी प्रकार से फूड के साथ में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, ना तो क्वालिटी की टर्म्स में और ना ही क्वांटिटी की टर्म्स में। स्पायरुलिना पाउडर की फॉर्म में, टैबलेट्स, कैप्सूल्स एंड फ्लेक्स की फॉर्म में अवेलेबल होता है और इसको स्पेस में कैरी करना भी इजी होता है और इसमें सेलुलोज ना होने के कारण ये इजीली डाइजेस्टिबल भी है, इसलिए ये स्पेस में महीनों तक ट्रेवल करने के लिए किसी भी प्रकार से बुरा नहीं है। स्पायरुलिना पर बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स किए गए हैं जिसके बेसिस पर इसे एक पावरफुल सुपर फूड कहा जा सकता है। 2010 में
कार्डियोवैस्कुलर थेरेपेटिक जर्नल में एक स्टडी पब्लिश हुई थी जिसमें इसकी स्पायरुना की हाइपोलिपिडेमिक एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी के बारे में बताया गया था। स्पायरुना कैप्सूल्स ब्लड लिपिड लेवल को रिड्यूस करने में और इम्यूनोलॉजिकल फंक्शंस को इम्प्रूव करने में भी हेल्पफुल है। 2015 में न्यूट्रिशन जर्नल में एक स्टडी पब्लिश हुई थी जो अप्रॉक्सीमेटली 200 माल नॉरिश्ड HIV पेशेंट के ऊपर की गई थी और इनमें भी स्पायरुना के पॉजिटिव रिजल्ट्स ऑब्जर्व हुए थे। HIV के पेशेंट में जो इम्यून सिस्टम की सेल्स HIV की वजह से डिक्रीज हो गई थी उनमें भी इम्प्रूवमेंट ऑब्जर्व हुआ था। 2016 में भी मैटरनल एंड पीडियाट्रिक न्यूट्रिशन में एक स्टडी पब्लिश हुई थी जिसमें 5 साल से छोटे 87 माल नॉरिश्ड एनिमिक चिल्ड्रन को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था जिसमें एक ग्रुप को विटामिन एंड मिनरल सप्लीमेंट दिए गए थे और दूसरे ग्रुप को स्पायरुना सप्लीमेंट्स दिए गए थे 3 महीने के लिए। जिन बच्चों को स्पायरुना सप्लीमेंट्स दिए गए थे उनकी हेल्थ, वेट एंड हीमोग्लोबिन वॉल्यूम उन बच्चों से ज्यादा था जिन्हें विटामिन एंड मिनरल सप्लीमेंट दिए गए थे। इसी प्रकार 2017 में पब्लिश्ड जर्नल ऑफ इंटरनेशनल मेडिकल रिसर्च के अनुसार स्पायरुना का यूज माल न्यूट्रिशन के पेशेंट, एनिमिक प्रेग्नेंट वुमेन एंड माल नॉरिश्ड बच्चों पर किया जाता है। US में 22 दिसंबर 2005 को इसकी एंटी एलर्जिक एक्टिविटी के लिए स्पायरुना कंपोजिशन को पेटेंट किया गया था। अब बात करते हैं स्पायरुना के हेल्थ बेनिफिट्स की। नंबर 1 इज रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। स्पायरुना में लगभग सभी न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं जैसे विटामिन ए, बीटा कैरोटीन, विटामिन B12, आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन्स, इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स, GLA, फाइकोसाइनिन, क्लोरोफिल, सोडियम, कैरोटीनॉइड्स, जैक्सेंथिन, मैग्नीशियम, मैग्नीज, विटामिन के एंड एंटीऑक्सीडेंट्स। नंबर 2 इज एनहेंस इम्यून सिस्टम। स्पायरुना बॉडी में मैक्रोफेसेस टी सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स मींस NK सेल्स का प्रोडक्शन बढ़ा देता है जिससे इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स बढ़ जाता है। एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स पर हुई स्टडी के अकॉर्डिंग स्पायरुना इनेट एंड एक्वायर्ड दोनों टाइप की इम्यूनिटी को बढ़ा देता है, मींस स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करता है। नंबर 3 इज एनर्जी बूस्टर। इसमें अवेलेबल आयरन कंटेंट बॉडी में ऑक्सीजन कैरिंग हेमोग्लोबिन को बढ़ाने का काम करता है और इसमें प्रेजेंट प्रोटीन कंटेंट बॉडी को नेचुरल एनर्जी प्रोवाइड करता है। नंबर 4 इज स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन। ये RBC के प्रोडक्शन को बढ़ाता है जिस वजह से ऑर्गन्स को ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ जाती है। इसके अलावा ये नाइट्रस ऑक्साइड के प्रोडक्शन के द्वारा ब्लड सर्कुलेशन को भी इम्प्रूव करता है। इसके अलावा स्पायरुना TNF-alpha मीन्स टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा को इनहिबिट करके स्टेम सेल्स का रीजनरेशन बढ़ा देता है। ये स्टेम सेल्स ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन को इनिशिएट करती हैं। नंबर 5 इज एंटी इन्फ्लामेटरी। स्पायरुना में एसेंशियल फैटी एसिड्स GLA मींस गामा लाइनोलेनिक एसिड होता है जो कि एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है। नंबर 6 इज नेचुरल सोर्स ऑफ आयरन। स्पायरुना में नेचुरल आयरन हाई क्वांटिटी में अवेलेबल रहता है जो कि ऑक्सीजन इनटेक को बढ़ाता है। आयरन हमारी बॉडी की ब्लड सेल्स में HB के रूप में प्रेजेंट रहता है जो ऑक्सीजन कैरिंग करने का काम करता है। नंबर 7 इज पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। स्पायरुना में फाइटोन्यूट्रिएंट्स मींस जो न्यूट्रिएंट्स प्लांट से मिलते हैं एग्जांपल कैरोटीनॉइड्स, क्लोरोफिल, फाइकोसाइनिन प्रेजेंट होते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी प्रोड्यूस करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिमूव करने के लिए जरूरी है। नंबर 8 इज आई हेल्थ। इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन ए प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ बीटा कैरोटीन जो कि गुड विजन के लिए इम्पॉर्टेंट है। नंबर 9 इज कोलेस्ट्रॉल बेनिफिट्स। स्पायरुना LDL मींस लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को नॉर्मल लेवल पर मेंटेन रखता है और HDL मींस हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को बढ़ाता है। HDL को गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। स्पायरुना लिपिड ऑक्सीडेशन को भी रिड्यूस करता है क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है और इस प्रकार ये बॉडी में लिपिड प्रोफाइल को मेंटेन रखने में भी हेल्प करता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं स्पायरुना के क्वालिटी स्टैंडर्ड की। स्पायरुना सी में पाया जाने वाला एक ब्लू ग्रीन एल्गी है और ये USFDA के द्वारा प्रमाणित GRAS लिस्ट मींस जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज सेफ में शामिल है। एज पर USFDA एंड NV-32 ये नॉन टॉक्सिक है। एज पर GRAS डेजिग्नेशन इसकी डोज 0.5 ग्राम से 3 ग्राम तक पूरी तरह सेफ है।
ये इंटेस्टाइनल माल अब्जॉर्प्शन के पेशेंट में भी न्यूट्रिएंट्स की बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ा देता है। स्पर्म की क्वालिटी बहुत हद तक इस पर डिपेंड करती है कि ये कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है और कौन इसे प्रोड्यूस कर रहा है। इसकी क्वालिटी में ये डिफरेंस टेस्ट, कलर, स्मेल एंड न्यूट्रिशनल कंटेंट के रूप में हो सकता है। इसमें इम्प्योरिटीज भी हो सकती हैं क्योंकि जो कि हानिकारक भी हो सकती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें इसे ऐसे सोर्स से परचेस करना चाहिए जो इसके सभी क्वालिटी स्टैंडर्ड को ध्यान में रखकर इसका प्रोडक्शन करें। स्पायरुना कैंसर ऑफ द कॉलन, पेनक्रियाज, लिवर एट्सेट्रा के प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट में यूज हो सकता है। तो अब बात करते हैं स्पायरुना के पॉसिबल साइड इफेक्ट्स की, मीन्स किन लोगों को स्पायरुना नहीं लेना चाहिए। जिन लोगों को सी फूड से एलर्जी हो उन्हें स्पायरुना को अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा जिनको थायराइड या किसी प्रकार की ऑटो इम्यून डिजीज, मीन्स एग्जाम्पल के लिए गाउट, रिमेटॉइड आर्थराइटिस हो, तो उन्हें फिजिशियन से कंसल्ट करने के बाद ही इसे लेना चाहिए। इसके अलावा प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन को भी स्पायरुना अवॉइड करना चाहिए, और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की तरह स्पायरुना को भी अपने फिजिशियन के साथ कंसल्ट करने के बाद ही इसे लेना चाहिए। यदि आपको कोई क्रॉनिक बीमारी है या कोई पर्टिकुलर ड्रग्स को का कम्बिनेशन आप यूज़ कर रहे हैं तो भी इसे अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों, चाहे स्पायरुला हो या कोई भी हेल्थ सप्लीमेंट, उसके एडवर्स इफेक्ट के मेनली थ्री प्रोबेबल कॉजेज होते हैं। नंबर वन इज इंट्रैक्शन, मीन्स जो हेल्थ सप्लीमेंट हम ले रहे हैं वो हमारे फूड या दूसरी मेडिसिन के साथ इंटरेक्ट तो नहीं कर रहे। नंबर टू इज हायर डोज अप टू टॉक्सिक लेवल, मीन्स जो डोज रिकॉग्नाइज्ड है, जो दी गई है उससे ज़्यादा डोज अगर हम लेंगे तो भी वो टॉक्सिक लेवल पर पहुंच जाएगा। नंबर थ्री इज इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटीज़ में भी दो टाइप की होती हैं कि एक रॉ मटेरियल में इम्प्योरिटी होना, और नंबर टू इज उसका सेकेंड पार्ट है कि प्रोसेसिंग या होल्डिंग के दौरान इम्प्योरिटीज आ जाना। 2010 में डायट्री सप्लीमेंट्स के 1009 एडवर्स इवेंट्स रिपोर्ट हुए थे। 2011 में 2047 और 2012 में 2844 एडवर्स इवेंट्स रिपोर्ट हुए थे। ये डाटा अमेरिकन कैंसर सोसाइटी से कलेक्ट किया गया है। एज पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, मीन्स NIS, बहुत सारे हेल्थ सप्लीमेंट्स के एक्टिव इंग्रेडिएंट्स कभी कभी बैड रिएक्शन भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये सप्लीमेंट्स कुछ मेडिसिन के साथ इंटरेक्ट करके हेल्थ प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे विटामिन के वारफेरिन यानी जिसे हम ब्लड थिनर कहते हैं उसकी एबिलिटी को रिड्यूस कर देता है। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट्स कभी कभी कैंसर केमोथेरेपी की इफेक्टिवनेस को कम कर सकते हैं। अगर ज़रूरत से ज़्यादा विटामिन ए लें तो लिवर डैमेज, हेडेक और बोन स्ट्रेंथ को कम कर सकता है। उसी प्रकार आयरन की ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा नोजिया, वॉमिटिंग और समटाइम्स लिवर डैमेज भी कॉज कर सकती है। इसलिए कोई भी फूड सप्लीमेंट लेने से पहले हमें अपने डॉक्टर, अपने फिजिशियन से कंसर्न जरूर कर लेना चाहिए। वेस्टिज एक प्रेस्टिजियस ब्रांड है। इसमें स्पायरुना की डोज 500 mg है जो कि USFDA के GRAS, मीन्स जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज सेफ में शामिल है। इसके अलावा ये कंपनी इसके रॉ मटेरियल की पूरी टेस्टिंग के बाद ही मैन्युफैक्चरिंग करती है, और प्रोसेस के दौरान भी सभी क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर्स को सुनिश्चित करने किया जाता है, और मार्केट में भेजने से पहले फाइनल कैप्सूल की पूरी एनालिसिस होती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो कम से कम 5 लोगों तक इसको जरूर शेयर करें, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप पुराने हैं तो अपनी नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं, आपके कोई डाउट्स हैं, तो वो आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें।